हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चना बिरयानी। चना से बनने वाली ये बिरयानी बहुत ही डिफरेंट और डिलीशियस रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए तेज पत्ता, सिनेमन स्टिक, क्लोव्स, मोटी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, ग्रीन चिली, केवड़ा वाटर, चना मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला, दो स्लाइस करे हुए अनियंस, दो कप बॉयल चना, दो टमेटो, मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स, और फॉर गार्निशिंग फ्राइड अनियंस एंड कोरिएंडर। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। गरम होने के बाद हम इसमें अपने खड़े मसाले ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें अपने स्लाइस्ड अनियंस डाल लेते हैं और उनको भी फ्राई कर लेते हैं 2-3 मिनट्स तक। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अनियंस फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें चॉप करे हुए टमेटोज ऐड कर लेते हैं। मैंने राइस को हाफ एन आवर से सोक किया हुआ था। अब इसमें मैं 1 स्पून सॉल्ट ऐड करके इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी। टमाटोज जब सॉफ्ट और मशी हो जाएं, तब उसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। सॉल्ट, चना मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिलीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जले ना। अब हम इसमें अपने बॉयल चना ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे। हमारे राइस पे बॉयल आ रहा है, हम इनको स्ट्रेन कर लेते हैं। राइस को 2-3 मिनट्स तक ही बॉयल करें। चने को कवर करके रख दें 4-5 मिनट्स के लिए। चने बिल्कुल रेडी हैं, थोड़ा थोड़ा ऑयल आ गया ऊपर। अब हम अपनी बिरयानी को लेयर कर सकते हैं। थोड़े से चने कढ़ाई में छोड़ के बाकी के राइस चने के ऊपर डाल दें और फिर बचे हुए चने ऊपर डाल दें। अब एक लेयर धनिया पुदीना की अच्छे से डालें। पुदीना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिरयानी में। केवड़ा वाटर और थोड़ा सा हाफ कप पानी को स्प्रिंकल करते हुए राइस के ऊपर डाल दें। अब हम एल्यूमिनियम फॉयल से इसको कवर कर लेंगे अच्छी तरह और बंद कर देंगे टाइटली। कढ़ाई को तवा या कोई स्टैंड के ऊपर रख के दम लगवाएं, डायरेक्ट गैस पे नीचे से लग जाएगी। अराउंड 15-20 मिनट्स के बाद जब इसमें से स्टीम बाहर आए, तब हमारी बिरयानी बन गई है। और नेक्स्ट 5 मिनट्स तक इसको ओपन ना करें।
5 मिनट्स हो गए हैं और अब देख लेते हैं हमारी बिरयानी। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें अपना गरम मसाला ऐड करें और 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करें, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसको हल्के हल्के हाथ से हिला लें और अपनी सर्विंग डिश में निकाल लें। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये बिरयानी बहुत ही सिंपल है बनाने में। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप वेज बिरयानी बनाने लगें उसकी जगह चना बिरयानी ट्राई करें। अब हम अपनी गार्निशिंग कर लेते हैं। धनिया, फ्राइड अनियंस, आप इसमें रोस्टेड काजू भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग रेसिपीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।